तो प्रधानमंत्री मोदी मेवाड़ की धरती पर गरजते हुए नजर आए। इस दौरान राष्ट्रवाद का भी उन्होंने जिक्र किया। दरअसल बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो इस लोकसभा चुनाव को राष्ट्रवाद के जरिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिक्र अगर राष्ट्रवाद का है तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह वो कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने किस तरीके से राष्ट्रवाद के मुद्दे को भुनाते हुए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, ये रिपोर्ट देखिए। मोदी राजनाथ ने प्रदेश में की किलेबंदी। मेवाड़ मारवाड़ में मोदी तो बीकाना ढूंढाड़ में राजनाथ। मोदी राजनाथ ने राष्ट्रवाद को बनाया हथियार। मोदी ने कहा, हम किसी को छेड़ते नहीं, जो छेड़ता है उसे छोड़ते नहीं। राजनाथ ने कहा, J&K में धारा 370 की समीक्षा का वक्त आ गया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिलाने वाली धारा 370 की समीक्षा का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है जब किसी राज्य को विशेष दर्जा दिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को जयपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग जिस तरह से देश में दो प्रधानमंत्री की बातें करने लगे हैं, उससे साफ है कि लोग देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जनता चुनाव में जवाब देगी और भाजपा नीत NDA लोकसभा चुनाव में केंद्र में प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी करेगा। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस अपने चुनाव घोषणा पत्र में देशद्रोह कानून को खत्म करने का वादा कर रही है, लेकिन हम सत्ता में वापस आकर इसे और सख्त बनाएंगे। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस कानून का कोई दुरुपयोग न हो। लोकसभा चुनाव के दो चरणों का मतदान हो चुका है। आपने देखा होगा कि प्रथम चरण के मतदान के बाद ही कांग्रेस सहित सारे विपक्षी दलों ने ये कहना प्रारंभ कर दिया था, EVM में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, यानी रिजल्ट पूरी तरह से साफ है। जो मतदान हुए हैं उससे स्पष्ट है कि रुझान किस ओर है। इसमें कहीं दो मत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी हासिल करेगी और इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है कि NDA थ्री फोर्थ मेजॉरिटी हासिल कर। जयपुर में पत्रकार वार्ता से पहले राजनाथ सिंह ने कोलायत में बीकानेर सीट से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा में भी उनका पूरा फोकस राष्ट्रवाद ही था। राजनाथ सिंह ने कहा कि राजनीति में मतभेद और विरोध हो सकता है, लेकिन राजनीति बड़े उद्देश्य और देश बनाने के लिए की जाती है, सांसद या विधायक बनने के लिए नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस देशवासियों की आंखों में धूल झोंक रही है। जिस दिन देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा उस दिन गरीबी हट जाएगी। सिंह ने कहा कि अब भारत कमजोर देश नहीं वरन ताकतवर देशों की श्रेणी में आने लगा है। पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक पर चर्चा करते हुए कहा कि हमारी बहादुर सेना दुश्मन की लाशें नहीं गिनती, ये काम तो गिद्धों का है। आतंकवाद और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस का घेराव करने की रणनीति के तहत ही भाजपा ने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पर हर स्तर पर हमलों की बौछार कर दी। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के नेता भाजपा के इस हमले की क्या काट ढूंढेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।